हुसैन बाग नबुवत का फूल है। जमाना जानता है कि जब आपका सर सजदे में था कि उस वक्त सनान बिन अनस ने आपके सर को काटा, या खोली बिन यजीद ने काटा, या शिमर ने काटा। इख्तलाफात है रिवायात के अंदर, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त सर जो था वो सजदे में था, और सजदे की हालत के अंदर दस्ते कातिल ने सरे हुसैन को तने हुसैन से अलग किया। ये दुनिया के सामने हजरत इमाम ने अपना उसवा रखा कि यही तो पैगाम मैं देने आया हूं, यही तो जो है वो तहरीर मैंने करबला की रेत पर अपने खून से रकम करनी थी कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा तो सिर्फ अपने मालिक की चौकट पर झुकेगा। यजीद के सामने ये सर झुक नहीं सकता है। तो हजरत इमाम हम्माम रदी अल्लाह ताला उन्होंने करबला के तपते हुए रेगजार में जब 72-73 लाशें खेमों के सामने पड़े थे और इतने जख्म कलेजे पे थे, रावी कहता है कि जब आपकी कमीज उतारी गई तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे, 34 घाव तलवारों के थे। इतने जख्म जिस्म के अंदर और जिस्म चूर है जख्मों से, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे, अल्लाहुम रज़न बिकज़ाए का व सबरन अला बलाए का तस्लीमन ले अमरे का सुबहान रब्बी अल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूं, मालिक जख्म से पे भी मैं मुस्करा रहा हूं, मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रिजा पे राजी है, मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम। आज लहजा भी दम तोड़ रहा है और सूरज भी दर्द गुरूब से जर्द हो रहा है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मजमून को छेड़ू। आओ हम सलाम करते हैं, ये सूरज सामने चमक रहा है, मैं यहां बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा, ऐ सूरज दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था जब करबला में हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, जब खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है, हुसैन कहां छोड़ आया है। आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सर कटा दिया। आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, तुम शोर डाल रहे हो, जिनके लिए मस्जिदों में कालीन बिछे हुए हैं, गर्म पानी दस्तयाब है और उनके लिए मस्जिदों में आसाइशें मौजूद हैं, और फिर भी वो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। जरा देखो हुसैन इब्ने अली को सजदे में सर रख के पेशानी रब के हुजूर रख के, हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं मालिक मैं सर कटा के भी तेरे हुजूर हाजिर हूं और तुझ पे राजी हूं, तू भी बता के तू भी हुसैन पे राजी है या नहीं है। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम, ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला चमन, ऐ चमन अंदर चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ऐ हयात अंदर हयात अंदर हयात, इफ्तखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। आज हम नाज करते हैं हुसैन इब्ने अली पे, हम आ हुसैन वाले नहीं है, हम वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, इतने जख्म कलेजे पे हो तो खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन जबर के खिलाफ कितनी कुव्वत से खड़ा है। हुसैन इब्ने अली ने अपना नमूना लोगों के सामने रखना था, तो इकबाल कहता है सुरख रू इश्के गयूर अज फूने उ, शोखिये ई मिसरा अज मजमूने उ। यजीद मिट गया, यजीद का नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मरता तो वो है जिसकी फिक्र मर जाए, मरता तो वो है जिसका नस्बुलैन मर जाए, मरता तो वो है जिसका मिशन खत्म हो जाए। हुसैन का नस्बुलैन जिंदा, हुसैन की फिक्र जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन का नाना भी जिंदा।
आज भी हजारों करोड़ों अरबों इंसान हुसैन का नाम लेके जी रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कोई यजीद का नाम भी लेता है तो वो सर झुका के देता है। कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेते हुए भी तुम्हें शर्म आती है? नाम लेने से पहले सर झुकाते हो, नाम लेते हुए पसीना पसीना होते हो, नाम लेने के बाद मुंह छुपा लेते हो। तुम्हें अपने कायद और अपने लीडर का नाम लेते भी शर्म आती है, और जब हमारे लबों पे नामे हुसैन आता है हमारा कद ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता है। फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो हुसैन इब्ने अली ने किसी ने कहा था कि ये दो शहजादों की जंग थी, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा करबला जंग थी अगर दो शहजादों की, कलम में जोर है तो लिखो हुसैन हार गए, लहजे में तंतना है तो लिखो हुसैन हार गए, अंदाज में जोर है तो कहो हुसैन हार गए। जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अनवर काट लिया गया और खोली बिन यजीद ने नेजे की नोक पे उसको रखा, वैसे रुख सर का जमीन की तरफ से था, किसी ने क्या खूब कहा बांह के सर नेजे पे और सूए जमीन है रूह, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के दो सजदे होते हैं, एक सजदा हुआ था कि सरे अनवर जुदा कर लिया गया, जब नेजे की नोक पे था सर तो रुख जमीन की तरफ से था। शायर कहता जरा गौर से देखो सरे हुसैन क्या कह रहा है, सरे हुसैन की पेशानी जमीन की तरफ है, पेशानी में दूसरे सजदे की आरजू मचल रही है। तो जब इमाम हुसैन का सर खोली ने नेजे की नोक पे चढ़ाया, उसने तो यह कहना चाहा था कि हम फतायाब हुए और देखो हमने सर काट लिया, किसी ने कहा जरा गौर से देखो ये तो सर कट के भी सर बुलंद है, ये सर कट गया फिर भी सर बुलंदी नहीं गई है, इसका बांकपन फिर भी नहीं गया है। हुसैन का सर कल भी ऊंचा था, हुसैन का सर आज भी ऊंचा है, उसका नाम जिंदा, उसका पैगाम जिंदा, उसकी फिक्र जिंदा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था, इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे हैं। सब मंजर खुली आंखों से देखा, 14 साल की उम्र है, बीमार हैं, तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी पीने लगते तड़पने लगते, कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली असगर का तड़पना याद आता है, सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था, और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कूफे की गलियों के अंदर भी सरों का यह काफिला अपनी कयादत के अंदर जो है वो गुजारा था। जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाज लोग यहां से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं, यहां किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके टसवे थे जो वो बहाने लगा, लेकिन बाद में उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हजरत अबू बरज़ा असलमी सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, उठ गए, बदन कांपता है उनका, कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहां अपनी छड़ी हटा ले, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से महु, हुजूर ने इन होंठों को खुद चूमा है। तो यह कह के आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कपकी भी तारी थी। बाद में यजीद ने कहा हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था, बताएं आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया मेरी चार बातें मान लो। उन चार बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सके। दूसरी यह था कि हमें मदीना हफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त यह थी मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाजत दो आज दमिश्क जामे मस्जिद के अंदर। चौथी बात आपने ये फरमाई कि कातलाने हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द करो। उसने कहा हाँ, कौन है कातिल हुसैन का? लोगों ने कहा खोली है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनान बिन अंस नखी ने किया है। सनान बिन अंस नखी को कहा हाँ तू बता, कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर जिल जोशन ने किया है।
शिमर जोशन को कहा तू बता, कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा, हुसैन ने कुछ बगाड़ा था, कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था, तो ये है वो है कातिल हुसैन का। अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता, ये बात तो पूरी नहीं कर सकता, अब खुतबा दे लो। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हुए, खताबत तो इस घर की लौंडी है, जब ये बोलते हैं तो हिकमत के मोती दौलते हैं। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, 14 साल उम्र है और दमिश्क की जामे मस्जिद है, यजीद भी बैठा था, यान सल्तनत भी थे, अवाम का भी हुजूम था। जब आपने खुतबा शुरू किया लोग ज़ारों के तार रोने लगे, और आपने अहले बैत के मनाकब जब लोगों के सामने रखे तो यजीद घबरा गया कि कहीं लोग मेरे गिरेबान तक न पहुंचे। उसने मुअज्जिन को इशारा किया जल्दी जल्दी अजान पढ़ो, तो जब उसने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो हजरत शहजादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि इसके अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब शहादतैन का कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसके जवाब के अंदर कहा हाँ हाँ अल्लाह के अलावा कोई मौबूद नहीं है, इसकी गवाही हमने खून से दी है, हमने अपने अपने लहू से दी है इसकी गवाही। और फिर उसके बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे लफ्ज़ आए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीद देख अब अजान के अंदर तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है, आज भी मिंबर पे मेरे नाने का नाम है। तो यजीद मर गया, उसका नाम मर गया, उसका तशख्स मर गया, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में भी जिंदा था, कूफे के बाजार में भी जिंदा था, और दमिश्क की जामे मस्जिद में भी जिंदा था, मदीने में भी जिंदा, मक्के में भी जिंदा, काबल में भी जिंदा, कंधार में भी जिंदा, किला जंगी में भी जिंदा, तोरा बोरा में भी जिंदा, मोसुल में भी जिंदा, बगदाद में भी जिंदा, गजा की पट्टी में भी जिंदा, फलस्तीन में भी जिंदा। आज हुसैन की जिंदगी और हुसैन का बाकपन दुनिया को बता रहा है, बुश को बता रहा है तेरे मुंह पे तमाचा हुसैन मारेगा, जमाना बताएगा कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन की फिक्र लेके उठो और पूरी दुनिया पे छा जाओ और जमाने को बताओ कि हम हुसैन इब्न अली के सपाही हैं। सिर्फ मुहर्रम के दिन आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होगा, क्या सिर्फ मुहर्रम हुसैन का महीना है? नहीं, सब पूरा साल हुसैन का है, पूरी जिंदगी हुसैन की है, पूरे जमाने हुसैन के हैं। ये सिर्फ आशूर का दिन या आशूर की शब ही हुसैन की नहीं, सारे जमाने हुसैन के हैं। कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का है, कल भी हुसैन का होगा। आओ उठे, कुरान को लेकर के हुसैन इब्न अली नेज़े की नोक पर भी चढ़ के कुरान सुनाया, और आज हम उसी कुरान की दावत को लेकर के उठे।